जी नमस्कार दोस्तों, एक शानदार और धमाकेदार वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, एक बार फिर से आ गया था मैं अलंग सेकेंड हैंड मार्केट में। और दोस्तों, आज मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे आपको बहुत प्रकार की अलग अलग मशीनरी मिलने वाली। आप देख सकते हो बहुत बड़ा लॉट है, प्लॉट भी बहुत बड़ा। जी दोस्तों, अगर इस प्लॉट की बात करें तो ये प्लॉट है श्री गणेश एंटरप्राइज। जी दोस्तों, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मशीनरी मिलने वाली, जैसे कि यहाँ पे VTL, फिर आपको मिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, लेथ मशीन और पावर प्रेस मशीन, और ये सभी आइटम आपको हर टाइम यहाँ पे अवेलेबल होने वाली। और दोस्तों, अब इस प्लॉट की और ये सभी मशीनरी की हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे हम ओनर से। जी चिराग भाई, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर आपके गणेश, श्री गणेश एंटरप्राइज के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके पास कौन सी मशीनरी हर टाइम मेरे अवेलेबल पास रहती है। मशीनरी में लेथ, ड्रिल, मिलिंग, सेपर, VMC, CNC, VTL मशीनरी कोई भी मांगते हो मिल जाएगा। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है। जी बिल्कुल, जैसे आप नया ड्रिल मांगते हो, नया लेथ मांगते हो, वो भी हम बनाते हैं। फिर पुराना में शिप का जो माल रहता है वो भी मैं रखता हूँ। सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे सब्सक्राइब डिटेल वाइज जानना चाहेंगे, जैसे कि ये कौन सी मशीनरी है। ये लेथ मशीन है, 8 फीट का है। जी जैसे इसमें मशीनरी में किसी को बड़ा सेंटराइट चाहिए, जो मशीनरी चलाता है उनको तो आइडिया आ ही जाएगा। हाँ, उनको आइडिया आ ही जाता है। ये बड़ा सेंटराइट में है, फिर छोटा में है। मेरे पास लेके 4 फीट से लेके 20 फीट तक मशीन मिल जाएगी। जी बिल्कुल, और अगर अप्रोक्स प्राइस की बात करें इसमें तो कहाँ से अप्रोक्स स्टार्टिंग में होगा। लेथ मशीन की मेरे यहाँ शुरुआत हो जाती है 1.5 लाख रुपए से लेके 15 लाख तक। जी बिल्कुल, सब अलग अलग कंडीशन वाइज अलग अलग रेट है। जी जैसे ये 4 फीट का मशीन है, हेरिक्सन इंग्लैंड का है। जी इसमें छोटा छोटा काम जैसे प्रिसीजन काम करना है वो सब हो सकता है, और अप्रोक्सली इसका बजट है 1.5 लाख रुपये। जी बिल्कुल, और फिर नेक्स्ट सर। फिर आते हैं अपन ये रेडियल ड्रिल में। ये 40 mm है, 40 mm का ड्रिल मशीन है। जी जैसे बड़ा बोर करना है या बोरिंग का काम है, कंटिन्यू ड्रिल का काम रहता है, उसके लिए बेटर देन। इसका बजट है 2.5 लाख रुपये। फिर 3 लाख वाला भी है पीछे की साइड। ओके, और सर अपने पास जो भी मशीनरी मिल रही है yes. वो आउट ऑफ कंट्री की है ना ज़्यादातर। मेरे पास ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री की भी है, इंडियन मेरा खुद का भी है। जी. दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं जो भी मेरे यहाँ से कस्टमर आता है, मशीन लेता है, उसको मैं ट्रायल वगैरह कंप्लीट मशीन इधर करके देता हूँ। बिल्कुल, फिर आप फुली चेक गारंटी देते हो, yes, जैसे कि yes. वहाँ जाके कोई छोटा वारंटी मोटा वारंटी प्रॉब्लम के साथ देता हूँ माल में। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सर नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये ड्रिल मशीन, ये भी है, ये इसको बिलर ड्रिल बोलते हैं। ये 32 mm का है, स्वीडन का। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अप्रोक्सीज का बजट है 125। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, और नेक्स्ट सर। फिर अपन आते हैं मिलिंग मशीन में। ये 2 नंबर का मिलिंग मशीन है, ये इंडियन मेड है। इसका है 275। जी फिर आते हैं ये 5 नंबर के मिलिंग मशीन में। जी ये मेड इन पोलैंड का है। मेड इन पोलैंड, यस जी बिल्कुल, फुल्ली यूनिवर्सल बोलता है इसको। जी अप्रोक्स बजट 775। ओके डन डन। फिर ये अपना ओर्लिकॉन मेड इन इटाली, 9 फीट का लेथ है। प्राइस है 325। और कंडीशन में भी बेस्ट। वैसे है सर, अगर बात करें तो ये कितनी पुरानी मशीन रहती है, मतलब पुरानी 25-30 ईयर्स। बिल्कुल 25-30 ईयर्स पुरानी रहती है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये टूल एंड कटर ग्राइंडर है। जी टिप्स वगैरह ग्राइंड करना है उसके लिए है ये। जी और सर प्राइस की बात करें तो प्राइस 175। फिर ये है प्रोफाइल कटिंग, ये न्यू है, मेरा खुद का ही मैन्युफैक्चर। बिल्कुल, ये न्यू है ना। या प्रोफाइल कटिंग का। यस जी, ओके सर। इसमें प्राइस कहाँ से स्टार्ट? 225। 25 ईयर्स। जी ये बेंडिंग मशीन है, प्रेस बैक बोलते हैं इसको। जी जैसे किसी डब्बा डुब्बी बनाना है उसके लिए यूज होता है। जी जी, और इसका बजट है 140। ये इंडियन मेड है। जी बिल्कुल, ये इंडियन मिलेगा आपको। यस yes. जी दोस्तों, हम आपको जो भी बाहर की आइटम है उसको बाहर की बोलेंगे, जो इंडियन है वो आपको हम पहले ही बता देंगे, भाई हमारे पास ये इंडियन आइटम है और ये बाहर की कंट्री की है। सर इसके बारे में, ये है पोलैंड का है लेथ, 8 फीट का मशीन है। जी और इसका बजट है 425। ये 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 मशीन को क्या बोलते हैं सर, कौन सा मशीन? लेथ मशीन। लेथ मशीन, जी ओके। ये 12 फीट का लेथ मशीन है, मेड इन पोलैंड। जी
जिसको ज़्यादा सेंटराइट वगैरह चाहिए उसके लिए बेटर देन, 2 मीटर काम देता है, एक्यूरेसी बढ़िया है जी। तो सर पूरा मशीन ट्रायल करके रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अप्रोक्स प्राइस सर? 6.5 लाख। और दोस्तों हम आपको जो वीडियो में प्राइस बता रहे हैं वो फिक्स नहीं होता है, वो नेगोशिएबल है। हाँ, और मार्केट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। जी बिल्कुल। ये प्लानर मशीन है, इंडियन मेड, सागर कंपनी का है, 10 फीट बाय 3.5 फीट। और इसका यूज़ क्या रहता है मशीनरी का सर? इसका यूज़ है फेसिंग करने के लिए, मान लो बड़ा बड़ा गडर है, बड़ा बड़ा प्लेट है, उसको फेस करना है जी, या फिर ये टी स्लॉट निकालना है जी। बिल्कुल। और ये भी 20 से 25 साल पुराना हो गया? नहीं, ये इंडियन मेड है, इसलिए कम से कम 2-5 साल समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडियन है दोस्तों जी, तो मिनिमम 5 से 7। 90% कंडीशन में है मशीन जी, और मशीन कंप्लीट ट्रायल किया हुआ है, किसी कोई भी पार्टी आता है तो उसको ट्रायल करके भी दिखा सकता हूँ जी। नो तो आपने आगे बताया वैसे, यहाँ से आपको फुल्ली चेक करके और फिर वहाँ जाके भी आपको फुल्ली सपोर्ट मिलने वाला है, टेक्निकल जो भी छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम आपको सॉल्यूशन कर देंगे जी। और इसका अप्रोक्स बजट है 8.5 बोल रहा हूँ, बट नेगोशिएबल जी। बिल्कुल। ये पिलर ड्रिल 20 mm का न्यू है, मेरा खुद का मैन्युफैक्चर जी। ओके। और सर? और ये बैक गियर वाला आता है, बेल्ट विथ बैक गियर जी। ओके। इसमें आपको अलग अलग मॉडल जो भी चाहिए मिल जाएगा, अप्रोक्स 35,000 के आजू बाजू। 35,000 जी सर। और ये फिर ये है सरफेस ग्राइंडर जी, इम्पोर्टेड है, बाहर का है जी। इसका साइज है 150 बाय 450 जी। इसका बजट है 275। यस। ओके सर। और नेक्स्ट? नेक्स्ट ये भी टूल एंड कटर ग्राइंडर है, टूल्स वगैरह घिसने के लिए जी। इसका बजट अप्रोक्स 225 जी। ये भी फॉरेन का है, ये भी फॉरेन, आउट ऑफ कंट्री। यस। फिर ये दूसरा सरफेस ग्राइंडर जी, सेम साइज 150 बाय 450 जी, चर्चिल का है। ओके। प्राइस भी सेम है, 275 जी। बिल्कुल जी सर। और नेक्स्ट सर? नेक्स्ट में है मेरे पास स्पेशल पर्पस लेथ मशीन जी, ये 4-in-1 बोलते हैं हमारी भाषा में। बिल्कुल। इसमें एक ही मशीन में चारों चीज आ जाती है, लेथ ड्रिल मिलिंग शेपर जी, मल्टी काम करता है, मल्टी काम मल्टी। ओके। और अप्रोक्स ये भी फॉरेन ही है ना सर, फॉरेन का? या मेड इन जापान, मेड इन जापान का है। और सर प्राइस अप्रोक्स? अप्रोक्स 3.5। 3.5। ये है 6 फिट का लेथ, मेड इन इंडिया, HMT ब्रांडेड, कंप्लीट ट्रायल किया हुआ, ऑल गियर। ओके। अप्रोक्स बजट 265। ये भी फॉरेन का ही है ना? नहीं, HMT इंडियन। इंडियन? या बिल्कुल दोस्तों, ये आपको इंडियन प्रोवाइड होने वाला है जी, आप देख सकते हो। और इसके बारे में क्या कहेगी, कौन सा वर्क करता है सर? ये ऑल गियर का है, मतलब जो गियर बॉक्स वाला बोलते हैं ना आप, और HMT का नाम इंडिया में इतना खास है तो कोई भी कस्टमर HMT बोलेगा तो समझ ही जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर हमारा अलंग के अलावा कौन सी जगह पे काम है? मेरा भावनगर में है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन्स वगैरह। फिर दूसरा 2 यूनिट है बॉम्बे, नवी मुंबई रबाला में, वहाँ भी फॉरेन से मशीन वगैरह लाता हूँ मैं, वहाँ सब VMC CNC GTL बोरिंग वगैरह और सब चीज़ वहीं रखता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। दोस्तों यहाँ पे श्री गणेश एंटरप्राइज के अलावा इनकी 2-3 जगह और भी इनकी ब्रांचें हैं, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो जी। थैंक यू सर।